जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पहली बार विश्व के इतिहास में। फिर मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगी, लेकिन मैंने तोड़ दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते देखना अपनी आंखों के सामने बड़ी बात है, वो भी जलेबी का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरी कंपनी कैरवे वाटर एंड सोडा ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की हैट्रिक बना के अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज करवा जा रही है। Hello, myself Radha. I participated in Shaheed Run 3.0 on 31st March 2024 under guidance of Kanna Anil Gurung sir. उसमें मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट के लिए ट्राई किया था, जिसका टाइटल था फास्टेस्ट टू कंप्लीट 5 किलोमीटर रन बाय कैरिंग अ 1 ईयर चाइल्ड। मैंने अपने बेबी को साथ में लेके रन किया था एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन था एंड मैराथन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था। तो पूरे रूट में हमारे साथ एक टीम थी जो हमें सपोर्ट के लिए हमारे साथ थी एंड हमें मोटिवेट कर रही थी, तो उस वजह से हमारे लिए काफ़ी इजी था, मेरे लिए काफ़ी इजी था रन करना एंड बेबी को साथ में होल्ड करके चलना। तो हाइड्रेशन एंड इन सब का कभी कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। एंड ये जो मैराथन का जो थिंग है, ये मेरे माइंड में आया था जब मैंने ये सोचा कि जब मोस्टली जो न्यू मदर्स होती हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज के बाद, अगर मतलब डिलीवरी के बाद जो बेसिकली एक माइंडसेट बन जाता है फीमेल का कि अब बेबी हो गया है तो हम उसके बाद अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रख सकते, हमारा पूरा टाइम हमारे बेबी की देख रेख में या उसको मतलब उसके लिए जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी फिटनेस या हमारी हेल्थ एक बैक स्टेप ले लेती है। उसको लेके मैंने ये रन किया ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को मोटिवेट कर पाऊँ, उन न्यूली मदर्स को, कि आप अपने बेबी के साथ भी अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकते हो। क्योंकि हम एक ऐसे टाइम में हम रह रहे हैं, ऐसे जनरेशन में हम हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि बेबी कैरियर है, हिप सीट्स हैं, प्रैम्स हैं, तो उसमें हम बेबी को कैरी करके इजीली वॉक भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने मैराथन में किया था, मैंने कैरियर में अपने बेबी को लेके, जो कि बहुत कम्फर्टेबल होता है बेबी के लिए भी, एंड आप रन भी कर रहे हो या वॉक भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपके बेबी को कुछ हार्म होगा या बहुत सारे जर्क्स लगेंगे तो बेबी को कोई प्रॉब्लम होगी, बेबी ईजिली सोते हुए आराम से मैराथन एंजॉय कर रहा था। तो वही चीज है, वो हम अगर चाहें तो अपने नॉर्मली हम अपने डेली लाइफ में उस चीज को इंप्लीकेट कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अगर हमें स्पेशली टाइम नहीं मिल रहा है वर्कआउट करने का या कुछ भी करने का अपनी बॉडी के लिए, तो बेबी को साथ में लेके वॉक रन करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, अगर हम उस चीज के लिए सोचें या डेडिकेटली उस चीज को करना चाहें तो वो चीज पॉसिबल है। ये एक मेरा गोल था जो मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ, तो शायद मुझे देख के लोग मोटिवेट हों या फिर उस चीज को आगे किसी को इस चीज का मतलब कुछ बेनिफिट मिले।